आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं, अगर आप लोगों ने इसको ध्यान से समझ लिया तो यह जानकारी आपके जीवन में तो काम आएगी ही आएगी, लेकिन इस जानकारी के वजह से आप दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता लागू हो रही है, और भारतीय न्याय संहिता इंडियन पीनल कोड की जगह पे लागू की जा रही है। भारतीय न्याय संहिता में जो धाराएं हैं वह है 357, और 357 धाराओं में से तकरीबन 200 ऐसी धाराएं हैं जिसमें पुलिस किसी को अगर मुकदमा इन धाराओं के तहत पंजीकृत किया गया है तो आरोपित व्यक्ति को बंद नहीं कर सकती, जेल में नहीं डाल सकती। इसकी जानकारी कैसे होगी कि जो मुकदमा पंजीकृत हुआ है उसमें जो धाराएं लगी हैं उन धाराओं में पुलिस हमको जेल में डाल सकती है या नहीं डाल सकती है? काफी आसान प्रोसीजर है। अगर किसी के पास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किताब है तब तो ठीक है, अदरवाइज गूगल पे जाके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, और जब पीडीएफ को डाउनलोड करके जब उसको ओपन करेंगे तो पूरा जो स्क्रॉल करके जब जितनी धाराएं हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जो धाराएं हैं, उसके बाद अगला आ रहा है प्रथम अनुसूची यानी कि फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल को 6 कॉलम में डिवाइड किया गया। पहले कॉलम में बताया गया है कि भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के बारे में। दूसरे कॉलम में यह बताया गया है कि यह जो धारा है वह कौन सा काम किया जाएगा किसी के द्वारा, तब लगाई जाएगी, यानी उसको धारा को परिभाषित किया गया। तीसरे कॉलम में उस धारा की पनिशमेंट को बताया गया है, और चौथे कॉलम में यह बताया गया है कि कौन सी धारा संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आती है या असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आती है, यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है या कॉग्निजेबल ऑफेंस है। पांचवें कॉलम में यह बताया गया है कि यह धारा बिलेबल है या नॉन बिलेबल है, यानी जमानती है या गैर जमानती है। और छठे कॉलम में यह बताया गया है कि कौन से जज साहब के द्वारा इस मामले का ट्रायल किया जाएगा। तो पांचवें कॉलम में देखेंगे कि जो धारा लगाई गई है उसके सामने अगर बिलेबल लिखा हुआ है तो वह धारा जमानती धारा है, और इस धारा के तहत अगर मुकदमा पंजीकृत हुआ है तो पुलिस आरोपित व्यक्ति को जेल के अंदर नहीं डाल सकती। लेकिन ये ध्यान देना है कि जितनी भी धाराएं लगी हैं, 2 लगी हो, 3 लगी हो, सभी का नेचर बिलेबल होना चाहिए। अगर सभी का नेचर बिलेबल है तो पुलिस उस केस में आरोपित व्यक्ति को जेल के अंदर नहीं डाल सकती। उदाहरण के तौर पे एक कुछ धाराओं को ले लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी वाहन को चला रहा है और वाहन को लापरवाही से चला रहा है, और लापरवाही से चलाते वक्त किसी को टक्कर मार देता है, उस व्यक्ति को कुछ चोट आती है, हल्की चोट आती है, तो लापरवाही से अगर चलाएगा तो उसके लिए सेक्शन बनाया गया है 281 भारतीय न्याय संहिता, और टक्कर मारी है तो उस व्यक्ति को चोट लगी है तो उसके लिए एक और सेक्शन लगेगी 125 का उपधारा 1 भी उसमें लगेगी। तो 2 धाराओं के तहत यह मुकदमा पंजीकृत होगा, एक हो गया 281 और दूसरा हो गया 125 की उपधारा 1। अब ये दोनों धाराएं जो हैं या दोनों बिलेबल धाराएं हैं, तो अगर इन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत होता है तो जो आरोपित व्यक्ति है उसको जब पुलिस बुलाएगी तो उसको अपने साथ एक जमानती को लेकर जाना है। जमानती का मतलब अपने किसी जानने वाले व्यक्ति को लेकर जाना है। जब लेकर जाएंगे वहां पे थाने पर तो पुलिस इस मामले में एक अरेस्ट मेमो भरेगी। एक फॉर्मेलिटी के लिए अरेस्ट मेमो भरा जाता है, क्योंकि अरेस्ट दिखानी होगी, अरेस्ट के बाद ही बेल का प्रोसीजर होता है। तो बिलेबल ऑफेंस में थाने से बेल देने की प्रोसीजर को
किया जाता है। तो पुलिस ने अरेस्ट मेमो भरा और अरेस्ट मेमो भरने के बाद बेल बांड जो होता है भरवाते हैं, एक बांड भरवाएंगे जो आरोपित व्यक्ति है और एक बांड भरवाते हैं जो व्यक्ति जमानत ले रहा है उसका भरवाएंगे। दोनों बांड में एक एक अमाउंट पुलिस के द्वारा लिखी जाती है, ध्यान दीजिएगा वह अमाउंट किसी को दिया नहीं जाता है, ज्यादातर 10,000 रुपये लिखा जाता है या 20,000 रुपये लिखा जाता है, लेकिन यह अमाउंट किसी को दिया नहीं जाता है इसको ध्यान दीजिएगा। असली खेल इसी का है कि यह अमाउंट जो है कोई 50,000 का होता है कि 50,000 भर देते हैं, कोई 10,000, कितना भी भरा जाए किसी को देना नहीं होता है। यह अमाउंट क्यों भरा जाता है, इसके भरने का पीछे कारण यह है कि यह आपको अगर बुलाया जाता है थाने पे जब भी इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करने के लिए तब आपको आना है, या कोर्ट में जब भी बुलाया जाएगा तब आपको आना है, इसी के लिए इस बांड को भरवाया जाता है। बाकी अगर मुकदमा में जो धारा है 2, 3 या 4 धाराएं हैं, अगर एक भी धारा नॉन अवेलेबल ऑफेंस की कैटेगरी में है तो उस केस में पुलिस के पास अधिकार है गिरफ्तार करके जेल में डालने का। उम्मीद करता हूं दी गई इंफॉर्मेशन समझ में आई होगी, फिर भी कोई आपके सुझाव हैं, कोई सवाल हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, प्रयास करूंगा कि उत्तर जल्द से जल्द दे सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।